हेलो फ्रेंड्स, तो पूरे 2 साल के बाद मैं मायके जाने वाली हूँ, यानी अपने माँ से मिलने वाली हूँ। सोचिए, 2 साल पहले भी मैं गई थी ना, तो सिर्फ 2 दिन के लिए ही गई थी, और उसके 2.5 साल पहले मैं गई थी तो सिर्फ 1 दिन के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही होगी मैं मायके जा रही हूँ। और फ्राइडे का दिन है ये, फ्राइडे को मेरा छोटा भाई है ये मुझे लेने के लिए आया है। तो मेरा मायके जाने का प्रोग्राम तो वेडनेसडे को था, आप लोग जानते हैं, पिछले ब्लॉग में देखे होंगे। तो लास्ट मोमेंट में भाई मुझे मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने पूरी पैकिंग कर रखी थी, मैं तैयार भी हो गई थी, मैं लंच की तैयारी भी कर रही थी कि भाई लंच टाइम पे आएगा तो लंच करा के फिर हम लोग निकलेंगे। तो लास्ट मोमेंट में वो मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो 2.5 घंटे का ही डिस्टेंस है मेरा मायके और ससुराल में, अगर गाड़ी से आते हो, अगर अच्छे से गाड़ी चलाए तो 2 घंटे का ही डिस्टेंस है। तो लास्ट मोमेंट में वो मना किया ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ कि 2 साल से गए नहीं और इस तरह से मना किया, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा दिन तक रहना था। मैं सोची थी 1 हफ्ते तो मैं रुकूंगी, लेकिन अब क्या है कि 2 दिन के बाद वो आया तो अब कम रहना हो पाएगा। और मैं जेठानी लोग को पैर छू रही थी तो लोग कह रहे थे कि तृप्ति नाश्ता कर लो, नाश्ता बन गया है। तो 9 बज रहे थे सुबह के, तो नाश्ता का ही टाइम था, लेकिन पापा का ना इस बीच 3 बार कॉल आ गया था कि दीप्ति जल्दी से निकल जाना, जैसे सौरभ आएगा ना 5 मिनट के अंदर ही निकल जाना। तो क्या था कि इतनी जल्दी तो नाश्ता बनती नहीं है, 9 बजे बज ही जाते नाश्ता बनते बनते। मैं तो सुबह उठ करके नहा धो के रेडी हुई, बच्चों को तैयार की और पैकिंग भी की, क्योंकि रात को पापा बोले थे कि भाई को भेज रहे हैं, तो रात को मैं पैकिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि रात को मैं बहुत थकी थकी थी। तो मैं सुबह उठ करके ही पैकिंग की, तो मेरे पास नाश्ता करने का भी टाइम नहीं था। ये चीज़ सास समझ गई थी कि दीप्ति को है ना नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बहुत ही समझदार है वो, क्या की ना सुबह 7 बजे मेरे बेडरूम में ही नाश्ता पहुंचवा दी होटल से लेकर के। कुछ तो खा लेंगे मैं, क्योंकि बच्चे तो खा ही लेते, बच्चों को तैयार मैं सबसे पहले कर दी थी, तैयार करके हस्बैंड को दे दी थी, तो वो नाश्ता बच्चों को करवा दिए थे, जो भी दीदी लोग बना रही थी ना बच्चे नाश्ता कर लिए थे। लेकिन सासू माँ को पता था कि हम मुझे ना थोड़ा सा साड़ी वाड़ी पहनने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हैबिट नहीं है ना, तो मुझे टाइम लग जाता है। तो सासू माँ को समझ में आ गया था कि इसको टाइम नहीं मिलेगा नाश्ता करने का, तो इसलिए होटल से मंगा के भेज दी। तो हस्बैंड से मैं चेंज पैसा ले रही थी रास्ते के लिए कि पानी वगैरह खरीदना हो या बच्चों को कुछ चाहिए होगा तो दे दीजिए, क्योंकि चेंज पैसा मेरे पास था नहीं। और उनसे भी मैं विदाई ले रही थी, क्योंकि काफ़ी मतलब हम लोग ना अलग नहीं रहते, मुंबई में साथ में रहते हैं, ससुराल भी आते हैं तो साथ में रहते हैं, लेकिन जब मैं मायके जाती हूँ उसी समय मैं अपने हस्बैंड से दूर रहती हूँ। और मेरी बेटी तो अपने होशो हवास में पहली बार अपने पापा से दूर हो रही थी, क्योंकि 2 साल हो गए अभी, वो 3.5 साल की हुई नहीं है, होने वाली है, तो वो उसको भी अजीब सा लग रहा था कि पापा क्यों नहीं हमारे साथ जा रहे हैं। तो पूछ भी रही थी कि मम्मी पापा क्यों नहीं हमारे साथ जा रहे हैं, तो मैं बोली कि बेटा मैं अपने मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ, पापा को यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, टीपू टीपू करना है, टीपू टीपू यानी कि लैपटॉप में काम करना है। ये गाड़ी मेरा भाई नया नया लिया हुआ है, मतलब 10-15 दिन ही हुए हैं गाड़ी लिए, तो अभी मैं गाड़ी को गौर से देख रही थी कि कैसा गाड़ी लिया है। तो सबसे पहले तो मैं दरवाज़ा खोल रही, तो मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा था, तो वहीं पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई गाड़ी का दरवाज़ा इतना मतलब टाइट क्यों है। मैं भाई से पूछी कि गाड़ी का कौन सा मॉडल है बताओ, तो बोला कि ये ट्रिवर है। ट्रिवर मैं पहली बार सुन रही थी, मुझे इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि 10-15 दिन पहले लिया है, तो नो डाउट मैं पहली बार उसमें बैठ रही थी, और भाई भी पहली बार लॉन्ग ड्राइव में बैठा हुआ था। पापा ही इस गाड़ी को यूज़ करते हैं, क्योंकि पापा को क्या है ना लकवा का प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा चलना फिरना नहीं कर पाते हैं, बिजनेस मैन है, तो छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी उनको ना ये कार यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो थक जाते हैं ना, उनके हाथ पैर थोड़े से कमज़ोर हैं, कि उन्होंने थेरेपी अपनी पूरी अच्छे से नहीं की थी। 90% तो ठीक हो गया था, 10% हो जाता अगर वो 10 दिन और थेरेपी ले लेते एक्यूपंक्चर की, पर वो बिजी आदमी है, वो अपने हेल्थ पे कम और बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सासू माँ और हस्बैंड यहाँ तक छोड़ने के लिए आए, देखिए दरवाज़ा ना मेरे से लग नहीं रहा, इतना टाइट है। तो यही मुझे थोड़ा सा इसमें लगा कि दरवाज़ा इतना टाइट नहीं होना चाहिए कार में। इससे पहले जो गाड़ी था वो i10 था, जो मैं पसंद की थी, लेकिन अब तो वो खटारा हो गया, तो भाई दूसरा नया ले लिया। तो ये हस्बैंड लास्ट मोमेंट में भी आ गए विदा करने के लिए, और कह रहे थे कि मत जाओ मेरे पास ही रहो, क्योंकि हम लोग अलग नहीं रहते ना इसीलिए। तो सफ़र तो स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टार्ट होते हुए सफ़र बीच में ख़राब हो गया। देखिए बेटी उल्टी कर दी मेरी गोद में, आधी भी उल्टी किया था, तो जो भी पानी था उसका उल्टी साफ़ करने में लग गया, और बेटी कर दी थी तो मेरे पास पानी नहीं था, तो लकीली मुझे दिखाई दिया कि अरे ये तो सामने ही तालाब है जहाँ कार खड़ी किए थे ना, तो हमने ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे तालाब है, हमें पता नहीं था, ऐसा नहीं कि तालाब देख करके गाड़ी रोका गया था, गाड़ी रोकी लेकिन सामने तालाब दिख गया, हमने ठीक है चलो अच्छा है।
और फिर मेरा भाई बोलता है ना कि यहाँ आसपास कोई दुकान भी नहीं जहाँ से पानी का बॉटल ले सके, तो तालाब में ही कपड़े वगैरह साफ़ कर लो। तो मैं तो अपने कपड़े साफ़ कर ली, तो बेटी के भी कपड़े में लगे थे, हाथ पैर में लगे थे, वो भी खड़ी थी कि मम्मी मेरा भी साफ़ कर देगी। तो वो डर रही थी, इतना पानी दे के उसको डर लग रहा था। तो मैं उसको समझाई कि मैं हूँ, डरो मत। तो तब जा कर के वो बैठी और फिर मैं उसके भी कपड़े साफ़ कर दी और हाथ पैर उसके भी साफ़ कर रही थी। तो बच्चे तो कभी तालाब देखे नहीं है, शहर में कहाँ से तालाब देखेंगे। तो तालाब के बारे में दुनिया भर के उसका सवाल थे, वो मुझसे पूछ रही थी तो मैं उसके जवाब दे रही थी। तो सफ़र तो मेरा देख लीजिए कैसा रहा, मैं अपनी जर्नी आप लोग साथ शेयर कर दी कि रास्ता देखे 2-2.5 घंटे का ही रास्ता है, लेकिन सफ़र मेरा इस तरह से रहा। तो यही मेरे हस्बैंड मेरे पास होते तो ये सब काम वही करते, मुझे अकेले नहीं। मायके तो आ गई हूँ लेकिन आपको अभी तक किसी से इंट्रोड्यूस नहीं कराई हूँ, ख़ासतौर पे अपने मम्मी पापा से। मेरे दो भाई, एक छोटा भाई है जिससे आप मिल चुके पिछला ब्लॉग में, वही मुझे लेने के लिए आया था, और एक बड़ा भाई है, मुझसे ज़्यादा नहीं 1.5 साल ही बड़ा है। हम लोग एक साथ ही स्कूल में एक ही क्लास में साथ में पढ़ते हुए बड़े हुए। हम दोनों की शादी भी ना 17 दिन आगे पीछे होके हुई, पहले मेरी शादी हुई फिर उसका शादी 17 दिन बाद हुई। इसका नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। क्या लेके आए तुम? डॉग। कितना सारा है? 4 पीस। 4 पीस लेके आया। एक जल्दी से पिला दो हमको, पेट में ना थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग आ गया है, क्योंकि पता है अभी ना दोपहर के लगभग बज रहे हैं 12 और मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, क्योंकि हाँ नीचे काट के। ठीक है, ले करके आ जाओ, एक आधे को भी दे देना। ठीक है, आधे भी बोला मम्मी हम भी पियेंगे। तो मार्केट कैसे लग गया सौरभ? अच्छा, मार्केट लग गया, गजब की बात है, क्योंकि पूरी फोर्स है ना यहाँ पे, पूरे एरिया में भरी पड़ी है। अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन सुबह तक यहाँ पे कम से कम यहीं जहाँ पे ये लगी हुई है ना मटका, आपको पीछे दिखाई दे रहा है मिट्टी का, यहाँ सुबह सुबह ही कम से कम 8 से 10 जवान यहाँ पे थे। जब मैं आई थी कल तब भी पूरा एरिया में पूरा जवान भरे पड़े थे, क्योंकि यहाँ पे 144 लगा हुआ है। कुछ इशू था परसों, कुछ इशू था क्या, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ का माहौल अभी थोड़ा सा सही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और सोशल मीडिया में मैं बता नहीं सकती क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है यहाँ पे, कुछ ऐसा हुआ है। और जो घटना घटी है ना, ये मेरा घर है, यहीं पे हम लोग रहते हैं, और ये नीचे नीचे में ही कांड हुआ था कुछ, और उस चीज़ को मेरे पापा ही रोके थे। वो पकड़े, अगर वो नहीं पकड़ते ना तो शायद पता ही नहीं चलता किसी को, और जब मालूम चला था तो मतलब बहुत ही सेंसिटिव इशू है, इसलिए मैं सोशल मीडिया में इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी। तो मैं वही थोड़ा सा देख के हैरान हो गई, और इस वजह से मेरा कल ब्लॉग है ना डल नहीं पाया, क्योंकि नेट यहाँ का स्लो कर दिया गया है, अभी भी नेट स्लो है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ब्लॉग का एंड करने वाली हूँ, अभी नहीं करूँगी, अभी बहुत सारी बातें करूँगी, शायद ब्लॉग में समाप्त करूँगी। तो मैं अभी एडिटिंग करूँगी और अपलोड में लगाऊँगी, तो शायद शाम तक वो अपलोड होगा मे बी, क्योंकि नेट बहुत स्लो कर दिया गया है इसी कारण से। तो हो क्या रहा है ना कि अभी मैं जाने वाली हूँ मंदिर, अभी नहीं जाऊँगी, मतलब 2 बजे के करीब शायद यहाँ से निकलना हो पाएगा। और मंदिर कहाँ जा रही हूँ, क्या है क्या नहीं है, बहुत ही माना हुआ मंदिर है, और मेरा एक मन्नत भी है कि एक मन्नत मांगी थी कि अगर वो पूरा हो जाएगा तो मैं अपने हस्बैंड के साथ उस मंदिर में जाऊंगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगी ना तो हस्बैंड को लेकर के आऊंगी और मंदिर जाऊंगी और सिंडे वापस हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे ज़्यादा रुक नहीं सकते, मायके में कभी रुक नहीं सकते, मैं खुद मायके बहुत कम आती, तो मेरे हस्बैंड के आएंगे और आएंगे भी तो मेरा मन्नत पूरा करने के लिए आएंगे। तो वो मन्नत मेरा पूरा हो चुका है और आज मैं फिर से जा रही हूँ और फिर से एक मन्नत ही मांगने जा रही हूँ। एक्चुअली ये जो मेरा लंग्स प्रॉब्लम है ना, इस सिलसिले में ही जा रही हूँ कि अगर ये ठीक हो जाए तो जो भी मन्नत मेरा रहेगा वो मैं मांगूंगी, उसी के लिए मैं जा रही हूँ। वहाँ पे जाने से ना कई लोगों की बहुत सारी बीमारी ठीक हो गई है, तो एक तो मेरा मन्नत था जॉइंट पेन का, वो मेरा मन्नत ठीक हो गया। मेरी मम्मी को हार्ट में ब्लॉकेज था, वो ठीक हो गया। ये जो मेरा छोटा भाई है ना, इसकी भी एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ही कम एज से चल रही थी, जब वो 10 साल का था ना तब से उसकी मेडिसिन चल रही थी, और 15-16 साल से उसकी चल रही थी एलोपैथिक मेडिसिन, उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। और वो एलोपैथिक मेडिसिन उसका वो छूट गया, काफ़ी महीने हो गए और कोई भी इशू नहीं हुआ, कोई भी हेल्थ इशू नहीं हुआ। तो पता नहीं क्यों लोग मानते हैं, चाहे विश्वास हो या अंधविश्वास हो, चाहे कुछ भी हो, लोग जाते हैं और मैं भी जाती हूँ, क्योंकि मेरा भी जॉइंट पेन ठीक हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सोचते हैं कि चलो अगर 1% भी सच है, बिलीव है, तो चले जाते हैं।
और मंदिर है तो मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। इसीलिए मैं अभी तक नमकीन नहीं खाई हूँ, मीठा खा के रहना, मतलब मीठा वगैरह खा सकते हैं, तो इसलिए नारियल पानी मंगवाई हूँ, क्योंकि खाली पेट ज़्यादा देर मैं रह नहीं सकती। और अभी तो लगभग 11-12 बज रहा है, मैं देखी नहीं घड़ी, शायद 12 ही बज रहा है अभी। तो यही छत आई हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप सभी को, मतलब अपने मम्मी पापा बड़े भाई सबसे मिलाऊंगी। भाभी घर पे नहीं है क्योंकि भाभी प्रेग्नेंट है, तो वो मायके गई हुई है, और प्रेग्नेंट है तो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ है, दो दो बार हॉस्पिटल एडमिट भी हो गई है, स्लाइन वगैरह चढ़ा है, तो ज़्यादा उनको आराम तो मायके में ही मिलेगा। किसी भी को भी मायके में ही ज़्यादा आराम मिलता है, ससुराल में चाह कर भी आराम उस हिसाब से नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो भाई ले करके भी बातों बातों में आ गया है। आदि को दिया, थैंक यू। कहाँ जा रहा है? इधर आ, तुमसे मिलवा देते, अच्छे से मिलवाए नहीं है, मेरा बाल उड़ रहा है। पहले तो मेरा बाल हटाओ आपके सामने से, क्योंकि एक हाथ ना कैमरा पकड़ा है, एक हाथ कोकोनट वाटर पकड़ा है। थैंक यू। ये मेरा छोटा भाई है, मुझसे ये ना 8 साल छोटा है। ये ना इसको मैं भाई के जैसा नहीं रखी थी, इसको मैं एकदम जैसे छोटे बच्चे को रखते है ना बेटा की तरह, वैसे मैं इसको रखी थी। और पढ़ाना लिखाना, इसको ले जाना, सब कुछ इसके साथ होता। मेरा ख्याल ना यही रखता है, मेरा बड़ा भाई कुछ भी नहीं करता मेरे लिए, कुछ भी नहीं करता है, ना ही मेरे लिए करता है ना मेरे बच्चों के लिए करता है, A to Z यही करता है, मुझे लाना पहुँचाना। अभी लेके आया, पहुँचाएगा भी यही, मेरा सारा जरूरत भी यही पूरा करेगा, मेरे दोनों बच्चों की हर चीज़ जो भी उन लोगों का डिमांड रहता है ना, सब कुछ यही पूरा करता है। ये मुझसे छोटा है, 8 साल छोटा है, फिर भी ना एकदम बड़े भाई की तरह ख्याल रखता है। बड़ा भाई बस नाम का बड़ा भाई है, बड़े भाई होने से क्या होना। तो ये मेरा छोटा भाई सौरभ, सौरभ जायसवाल है ना। हाय हाय। तो ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, और निकलना कितने बजे है मंदिर के लिए? बस थोड़ा, बस निकलेंगे 10 मिनट में। 10 मिनट में निकल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों बच्चों को खिला के निकलते हैं, क्योंकि आने में बहुत टाइम हो जाएगा ना, तो भूख लगेगा, तो हमको दोनों बच्चों को खिलाना भी है। तो ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।